लैमीज़ थ्योरम के प्रूफ के अंदर ये आपके पास तीन वेक्टर्स हैं F1, F2 और F3, तुम इसे रीअरेंज करो ताकि ये ट्राइंगल बन जाए। कैसे? F1 वेक्टर को तो यहीं लगा लो, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर को उठाओ बिना चेंज ऑफ डायरेक्शन, इसके आगे लगा दो। पहले कहाँ लगा हुआ था? यहाँ लगा हुआ है, तुम इसको उठा के यहाँ पे लगा दो। तो ये रहा आपका F2 वेक्टर और ये रहा आपका F3 वेक्टर। यहाँ लगाने के बजाय इसको F2 के शुरू में लगा दो, तो क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। और अगर आप एंगल देखो तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर के बीच में एंगल गामा, ये देखो ये रहा F1 वेक्टर आगे जा रहा है, ये रहा F2 वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है? गामा। दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल गामा। ये लाइंस का एंगल नहीं होता है, डायरेक्शंस का एंगल होता है गामा। जैसे F2 F3 में अल्फा, ये रहा F2, ये रहा जा रहा F2 और ये रहा F3, इनके बीच में अल्फा। ऐसे ही F1 F3 में बीटा, ये देखो ये रहा F3, ये रहा F1, तो ये बीटा, तो ये बना गामा अल्फा और बीटा, ये डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम बन गया। इस डायग्राम में ट्राइंगल और लग नहीं पा रहा क्योंकि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? माइनस F3। अब ट्राइंगल लॉ लग पा रहा है, माइनस F3 वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये लॉ लगा दिया और नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म आ गई। आप ना करते हुए शॉर्टकट भी मार सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। लैमीज लगती ही तब है जब तीनों फोर्सेस का नेट सम जीरो है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कोई डायग्राम ना बनाएं, वो वाला डायग्राम ना बनाएं, बस ये देख लें और ये इक्वेशन सीधी लिख दें। एक काम करें, दोनों साइड को क्रॉस प्रोडक्ट लें, किससे? F1 वेक्टर के साथ। इसको भी F1 से मल्टीप्लाई, इसको भी, लेकिन क्रॉस के साथ। इसे ओपन करें, F1 क्रॉस F1, F2 क्रॉस F1, F3 क्रॉस F1 इक्वल टू जीरो। F1 F1 का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। F2 F1 का अगर आपको निकालना है, ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका F1। F2 F1 में एंगल क्या है? गामा, ठीक है। ऐसे ही F2 और F3 में एंगल अल्फा और ऐसे ही F1 और F3 के बीच में एंगल बीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने जा रहे हैं, तो ऊपर के डायग्राम से F1 F2 में एंगल गामा, तो F1 F2 साइन गामा, F3 F1 में ऊपर एंगल बीटा आ रहा है, F3 F1 साइन बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये वाली टर्म को राइट पे ले जाओ इक्वेशन नंबर 1। फिर एक बार ये इक्वेशन लिखो, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ F2 वेक्टर के साथ। तो F2 वेक्टर इससे 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 क्रॉस प्रोडक्ट करो, F2 क्रॉस F2 जीरो है, इसको छोड़ दो। तो F1 F2 में एंगल गामा है, F1 F2 साइन गामा, F3 F2 साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। और फिर से इस टर्म को राइट पे ले जाओ, तो ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली F1 F2 साइन गामा इसके इक्वल है, सेकंड के अकॉर्डिंगली F1 F2 साइन गामा इसके इक्वल है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है। तीनों को इक्वेट करके ये इक्वेशन आ गई, तीनों इक्वेशन मर्ज कर ली और फिर दोनों तीनों साइड्स को डिवाइड किया F1 F2 F3 के साथ। जब डिवाइड किया, F1 F2 कैंसिल, F1 F3 कैंसिल, F3 F2 कैंसिल, ये टर्म आ गई और फिर रेसिप्रोकल या लैमीज़ थ्योरम प्रूव हो गई।